सिडनी के ओलंपिक्स पार्क में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। 20,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। बोले, दोस्त मोदी का सम्मान करना गर्व की बात। मोदी को बताया बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। श्रीनगर में G20 के पर्यटन कार्य समूह की बैठक आज दूसरा दिन। LG मनोज सिन्हा ने किया औपचारिक उद्घाटन। सुरक्षा के भूतपूर्व इंतजाम। 28 मई को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। लोकसभा सचिवालय की तरफ से निमंत्रण पत्र भेजने का काम शुरू। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देश भर में आज से बैंकों में 2,000 के नोटों को बदलने की प्रक्रिया शुरू। एक दिन में बदले जाएंगे सिर्फ 10 नोट, यानी 20,000 रुपए किसी भी पहचान पत्र और फॉर्म की जरूरत। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता पर बड़े एक्शन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता को अति गैंग की सरगना घोषित करेगी पुलिस। अवैध संपत्ति भी होगी कुर्क। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रचा एक और इतिहास। वर्ल्ड रैंकिंग में भी हुए नंबर वन। पहला नंबर हासिल करने वाले बने पहले भारतीय। कोर्ट ने फिर बढ़ाई पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत। 8 मामलों में 8 जून तक मिली राहत। पत्नी बुशरा को 31 मई तक जमानत। इमरान ने जताई गिरफ्तारी की आशंका। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर नजर डालेंगे हम। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहाँ पर अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आरोप ये लगा है कि पीड़ित ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाया। अतीक के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के उत्तर सुइया थाने में केस ये दर्ज हो चुका है। और पीड़ित का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से उधार सामान लिया और फिर जब उसने पैसे लेने के लिए फोन किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और 3 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी गई। और प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड से जुड़े